वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, हम लोग अमेंडमेंट क्लास 2019 एग्जाम के लिए कर रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी भी करेंगे, ये इनकम टैक्स का वीडियो है। मैं सीएस केके अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीआईसीआई टैक्स फैकल्टी, जीएसटी कंसल्टेंट। लेकिन अमेंडमेंट क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ समझाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स की अमेंडमेंट, कौन सी अमेंडमेंट आपको पढ़नी है? मैंने वो 3 साल का एक किया है, फाइनेंस एक्ट 2017 का, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, और ये जो फाइनेंस एक्ट 2017 जो आया है वो 2018 एग्जाम ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा, चाहे मई में एग्जाम हो, जून में, नवंबर, दिसंबर, वो से मंथ से मतलब नहीं है, 2018। अब अगर आप 2019 में एग्जाम दे रहे तो कौन सा फाइनेंस एक्ट का अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस एक्ट 2018। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2018 मतलब प्रीवियस ईयर 18-19, असेसमेंट ईयर 19-20, जिस ईयर में एग्जाम होता है वो असेसमेंट ईयर आता है। तो 2019 में अगर एग्जाम हो रहा है तो असेसमेंट ईयर 1920 आएगा, तो फाइनेंस एक्ट 2018। अब फाइनेंस एक्ट 2019 तो आ चुका, क्या आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल होगा 2020 एग्जाम ऑनवर्ड्स। अब मैं ये कहता हूं कि दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, आपका 17 वाला भी और 18 वाला, ये 19 वाला आपके लिए 2020 के एग्जाम वालों के लिए, तो ये दोनों, क्योंकि 2017 में जो अमेंडमेंट्स आए थे वो जरूरी नहीं है कि 2018 एग्जाम में सारे पूछे गए हो, कुछ छूट भी गए होंगे, वो हो सकता है 2019 के एग्जाम में आए, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये फाइनेंस एक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। इनडायरेक्ट टैक्स पल पल चेंज होता है, हर दिन चेंज हो जाता है, तो डेली अमेंडमेंट्स होते हैं। तो अगर आपका एग्जाम मई में है या नवंबर में, तो मई के ठीक पहले, नवंबर के ठीक पहले का अमेंडमेंट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, 6 महीने का गैप है, 6 क्लियर मंथ गैप। तो हमने वही समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, तो इस चार्ट से पता लग रहा है अगर मई में एग्जाम हो रहा है तो 31 अक्टूबर तक जितना भी अमेंडमेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो 30 अप्रैल तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन बीच में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो रेस्पेक्टिव एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जैसे 1 अप्रैल 2019 को से बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो वो मई के एग्जाम के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2019 आया, 6 महीने का क्लियर गैप होना चाहिए, लेकिन वो नवंबर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जो सीएस और सीएमए दे रहे हैं उनके लिए 30 नवंबर है, और अगर उनका एग्जाम दिसंबर में हो रहा तो 31 मई तक का अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हमारी बुक्स, बेस्ट सेलर्स, इंडिया नंबर वन बुक ऑन टैक्सेशन, अगर ये बुक खरीदते तो इसके साथ ये वाली बुक फास्ट ट्रैक क्यू रिवीजन इनकम टैक्स, वो इसी के साथ मिलती है हार्ड कॉपी। अगर आप सिर्फ पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो ये सिर्फ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है इसकी, और जीएसटी वॉल्यूम 1 है, तो इसका हमने डिटेल यहाँ लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स हार्ड कॉपी अवेलेबल, फास्ट ट्रैक अवेलेबल, जीएसटी वॉल्यूम 1 अवेलेबल। पीडीएफ सिर्फ इसी का मिलता, बाकियों का नहीं मिलता, पेजेस और प्राइसेस हमने लिखे हुए हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे taxbykk.com, वहाँ मिलेगा। अब अमेंडमेंट्स करते हैं फटाफट, तो मैं अमेंडमेंट इसी फास्ट ट्रैक क्यू रिवीजन इनकम टैक्स के बुक से आपको समझा रहा हूँ। तो ये असेसमेंट 1920 के लिए, आइए देखते हैं। और हमारा एक पंचलाइन है, नेवर से डाई, बेसिक कॉन्सेप्ट जहां पर बेसिकली डेफिनेशंस होते हैं। और ये फास्ट ट्रैक बड़े यूनिक है, अगर आपके पास है नहीं तो आपको चाहिए होगा, खरीद जरूर लीजिएगा। ये 55 पेज का है और आपको 4 घंटे में आपको पूरा इनकम टैक्स आपको रिवाइज करवा देता, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, आप देखेंगे। और जब आप पहली रिविजन करें तो टाइम जरूर लिख लीजिए, सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, फोर्थ रिविजन, और ये सारे डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है। अगर आपने याद नहीं किया है, डिड यू मेमोराइज? इफ नो देन यू मस्ट मेमोराइज विद इन 24 आवर्स। हर बार रिवाइज करते रहिए और ये आपके लिए एग्जाम टाइम के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये डेफिनेशन है सारे। और हमने क्या किया, इस किताब की खास बात यह है कि हमने हर एक चैप्टर के आगे एक छोटा सा कोटेशन लिखा हुआ, जैसे नेवर से डाई, कभी हार मत मानो, और इसमें कोई अमेंडमेंट है नहीं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5-9, अगेन रिवीजन टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजों को आने में वक्त लगता है, और इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। इंटर लेवल की बात कर रहा हूँ, फाइनल लेवल में तो डेफिनेशन ये सब में चेंजेस आया, जैसे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कनेक्शन है, लेकिन हमने इंटर लेवल के हिसाब से अगर देखे तो कोई अमेंडमेंट है नहीं, जैसा है वैसा ही चल रहा है।
और जैसे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिफाइन कर दिया गया, पहले डिफाइन नहीं था, पोएम का कॉन्सेप्ट पहले ही आ गया था 2017 में ही आ गया था, और इस पर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और इसमें सब कुछ है। देखिए सेक्शन 9, ये पूरा इनकम डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, 7 क्लॉजेस, 7 के साथ हमने लिख दिया है यहां पर, एक एक चीज लिखा हुआ है। इफ इंटरेस्ट रॉयल्टी ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन सच इनकम इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया वेदर देयर इज बिजनेस कनेक्शन और नॉट। कुछ कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इंडिया है, कुछ कार्टन्स हैं, ये सब। अब इनकम फ्रॉम सैलरीज, अगेन इफ नॉट नाउ व्हेन, अभी याद नहीं करोगे तो कब करोगे। और रिविजन टाइम 40 मिनट्स है, ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर, और इसमें अमेंडमेंट भी आया है, और अमेंडमेंट जो आया है फाइनेंस एक्ट 2018 में जो आया वो बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया स्पेशल अलाउंस में जो आप पढ़ते थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा थार डक। स्पेशल अलाउंस दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट वन एग्जम्पशन और पार्ट टू एग्जम्पशन। पार्ट वन एग्जम्पशन जितना आप खर्च करेंगे ऑफिशियल पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा, जिसको हम थार डक के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रैवलिंग अलाउंस। और पार्ट टू एग्जम्पशन जितना इनकम टैक्स रूल्स में लिखा हुआ उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, ना ज्यादा ना कम, खर्चा करो या ना करो। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो एग्जम्पशन था वो 1600 पर मंथ मिला करता था, ये 1600 पर मंथ का एग्जम्पशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन डिसेबल्ड वालों के लिए खत्म नहीं किया, वो अभी भी है। अब आप सीए में क्या करेंगे, वो एमसीक्यू बना ही रहे हैं, तो एमसीक्यू में ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे वो, और इस पे एमसीक्यू बनाएंगे जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। इसके बाद इन्होंने एक डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए, जो बेसिकली कई सालों से आईसीयू में था, और सेक्शन 16 आईसीयू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सेक्शन कभी डिलीट नहीं हुआ, डेड था, आईसीयू में था, कोमा में था, और ये जिंदा कर दिया जेटली साहब ने। ग्रॉस सैलरी और ₹40,000 व्हिचएवर इज लोअर, तो सैलरी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया होगा, डिसेबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है एमसीक्यू के बेसिस पे, और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और ₹40,000 व्हिचएवर इज लोअर। तो ये तो सेक्शन 16 1, 2, 3, 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 में एंटरटेनमेंट अलाउंस, 3 में प्रोफेशनल टैक्स, ये ज्यों का त्यों है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, बाकी परक्विजिट्स को आप देखेंगे तो हमने बड़ा हम अपनी किताब का नाम बेस्ड ऑन मेमोरी रिटेंशन टेक्निक भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि परक्विजिट जैसे अफल्लो सुल जीएमएस सीसीईए, अकोमोडेशन, ए फॉर अकोमोडेशन, एफ फॉर फर्नीचर, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑब्लिगेशन, सेल ऑफ एसेट, यूज ऑफ एसेट, लोन फैसिलिटी, गिफ्ट्स, मेडिकल हॉलीडे, क्रेडिट कार्ड, क्लब, ईसो एंड अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड। तो इस हिसाब से याद करवाया हुआ, कैटेगरी ए परक्विजिट, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी परक्विजिट, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। तो ये आप हमारी क्लासेस और हमारी जो प्रॉपर बुक आती है उसको भी देखेंगे तो उसमें मिलेगा। और ये देखिए आप एक एक चीज इसमें हमने बताया हुआ, इसलिए आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं कि बड़ी बड़ी किताबें खोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, कम पेजेस में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, 8 होना चाहिए। तो ये सारा है। अब मैं आपको जो चेंजेस आया वो बताता हूं, वो है गेट एमएससी में, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में जो चेंज आया है वो ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ₹15,000 का एग्जम्पशन दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया। अब एग्जम्पशन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग अप्रूव्ड हॉस्पिटल, बस यही तीन है, पहले 4 एग्जम्पशन थे वो 3 ही रह गए हैं। फैमिली मेंबर्स का डेफिनेशन वही का वही है। इसके बाद गेट एमएससी बोला, एस फॉर सर्वेंट फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। फिर आप देखेंगे हमने क्या किया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस कैटेगरी सी में जितने भी तरह के एग्जेम्पशन वो हमने सारा यहीं लिख दिया। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी इन ओन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट टैक्सेबल है, तो ये हमने प्राइवेट पहले लिखा हुआ था। आप 18-19 की फास्ट ट्रैक देखें तो यहाँ से हटाया ऑब्वियसली, और ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर एक चीज और दिखला देता हूँ हमने क्या किया। कभी कभी क्वेश्चन क्या करते हैं, अलाउंस और परक्विजिट्स को मिक्स करके वो डाल देते हैं। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल फैसिलिटीज प्राइवेट हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था 15,000, अब ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। कार अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन ऑफिशियल है तो एग्जेम्प्ट है, पर्सनल है तो टैक्सेबल, लेकिन कार फैसिलिटी है तो 1800, 2400, 600, 900 पर मंथ अगर मिक्स पर्पज के लिए दिया जा रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी आती है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ, एग्जेम्प्ट अप टू 3200 पर मंथ फॉर ओनली डिसेबल्ड, या कन्वेंस फैसिलिटी रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो इस तरह से ये हमने एक चार्ट बनाने की कोशिश की है जहां पर और आपको याद करने में आसानी हो। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी,
पेंशन लीव सैलरी, सैलरी खत्म। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2017 में चेंजेस थे, लेकिन यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। जैसे 3 साल 5 साल हो गया था, दिखलाता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1.5 लाख 2 लाख हो गया, 3 साल 5 साल हो गया, ये सब थोड़े बहुत चेंजेस थे। और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और रिसीट्स ऑफ एरियर रेंट में दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था। तो ये सब चेंजेस हैं, बाकी ये 2017 में ही हो गए थे, 2018 में कोई चेंजेस नहीं हुए। डिप्रिसिएशन में रेट्स में चेंजेस आए थे, रेट्स में चेंजेस आए थे, जहां 100% डिप्रिसिएशन मिला करता था वो 10%, लेकिन ये सब 2017 में हो चुका था। तो ये डिप्रिसिएशन रिवाइज हो गया। और हाँ, कोटेशन पढ़ते जरूर रहेगा, इफ नॉट नाउ व्हेन, हमने पहले बताया, अभी नहीं याद करोगे तो कब करोगे। हाउस प्रॉपर्टी दिखलाता हूं, और सारे कोटेशन सीरियली अरेंज है, एक स्टोरी के फॉर्म में मिलेगा आपको। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, याद करो आपने शुरुआत क्यों की थी। यहां तक याद करने के बाद, इस चैप्टर तक पहुंचने के बाद थोड़े नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो हमने लिखा नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड, याद करो आपने शुरुआत क्यों की थी। पीजीबीपी अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई विल, हर हालत में याद करेंगे आप। फिर अगेन टाइम लिमिट 50 मिनट्स लिखा हुआ था, ये बुक आपको हेल्प बहुत ज्यादा करेगी। इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन में, जैसे सेक्शन 28 में कुछ एडिशन हुए थे, वो हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक में लिखा नहीं है कि कुछ, तो जरूरी नहीं है इसलिए नहीं लिखा। और जो सेक्शन 35 था, इसमें पहले 150% ये सब कुछ कुछ मिला करता था, उसको असेसमेंट ईयर 18-19 में ही 100% कर दिया गया था, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च ये सब। तो अब इसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये 2018 में, फाइनेंस एक्ट 2018 से कोई चेंजेस नहीं आए थे। ये 35D है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और इसमें एक पॉइंट है जो हमने यहां लिखा नहीं है, कि अगर आप कैश में एसेट खरीदते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये शायद हमने डिप्रिसिएशन में जरूर लिखा होगा, ये देखिए लिखा हुआ भी, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 टू ए सेम पर्सन इन ए सिंगल डे शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये एक चेंज आया था, ये कब आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन 2017 में ही आया होगा। ये एक ऐड हुआ था, पेमेंट मेड टू रेलवेज फॉर यूज और रेलवेज एसेट्स, ये भी पहले ही ऐड हो गया था, 2018 का में ऐड नहीं हुआ था मुझे जो याद आ रहा है। एक 44ADA भी पहले ही ऐड हो गया था, इसको जरा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें 6% ऑफ टर्नओवर इन केस ऑफ रिसीट थ्रू बैंकिंग चैनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस भी बहुत जबरदस्त हुआ, हेवी ट्रक पे 12,000 पर टन, हेवी ट्रक किसको कहेंगे जिसका वेट 12,000 पर टन से ज्यादा है, उसका 1,000 पर टन, अदर ट्रक्स के लिए 7,500 पर, ड्यूरिंग विच ट्रक इज ओन, तो अगेन दिस इज अगेन ए चेंज, तो आप उसको भी चेक कीजिएगा। एडवांस टैक्स में भी चेंजेस आए थे इनके, इन बिजनेस के लिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये 44A भी कंपल्सरी टैक्स ऑडिट, तो अगेन ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये हमने खाली छोड़ा हुआ, जरूरत नहीं थी। खैर, कैपिटल गेन में जो लगातार हर साल हम लोग करते ही हैं, जिसमें एक नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है, वो तो आपको पता ही है, यहां हमने लिखा हुआ जरूर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये देखिए 18-19 का 280, और ये ऑब्वियसली आप फास्ट ट्रैक खरीद सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे taxbykk.com में, वहां लिंक मिल जाएगा, PDF है, पेमेंट कीजिए, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जो 44AE आया है, वो ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 2018 में ही आया, तो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और जो फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट आया, उसका MCQ तो बनना जरूरी है। दोबारा से कैपिटल गेन में आते हैं, तो कैपिटल गेन में पहले ही बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज और लैंड और बिल्डिंग 2 ईयर और लेस। पहले लैंड और बिल्डिंग ये सब 3 ईयर था, अनलिस्टेड का 1 ईयर था, अब इन्होंने ये पूरे कंबाइन करके 2 ईयर में कर दिया, 3 साल वाले को 2 साल और 1 साल वाले को 2 साल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज जो पहले ही हो चुका था। व्हाट इज नॉट ट्रांसफर में एक चेंज आया, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला इसमें। बाकी सब कुछ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब कुछ जैसा था वैसा ही है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया कि पहले क्या था कि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1 रुपये भी ज्यादा हो जाती थी
तो कहते थे नहीं नहीं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, झगड़ा होता था, बोला बनी भाई 5% का मार्जिन रखो, 5% से भी ज्यादा है 105% ऑफ सेल कंसिडर, तब यू अडॉप्ट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक चेंजेस है, इंपॉर्टेंट चेंज आया है फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा। ये आप चार्ट जरूर देख लीजिए, हमने बहुत सुंदर ढंग से सारे प्रोविजंस को एक जगह कंपाइल करके दिमाग लगा के हमने ये सारा मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है। ये सारे एग्जेम्पशन 54 54 54 EC, और इसमें 54 EC में एक चेंज आया। पहले ये NHAI और RECL के बॉन्ड का जो लॉक इन पीरियड था वो 3 साल हुआ करता था, अब 5 साल है। फाइनेंस एक्ट 2018 में ही ये अमेंडमेंट आया, बाकी सब जैसा है वैसा है, चल रहा है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो मेजर चेंज है वो है गिफ्ट्स वाले में, पार्ट बी, जिसको हम लोग पार्ट ए कैश गिफ्ट, पार्ट बी लैंड और बिल्डिंग का गिफ्ट, और पार्ट सी ZPB की सास। अब ZPB की सास क्या है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, बुलियन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड शेयर्स, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। फिर लैंड और बिल्डिंग, इसमें जो चेंजेस आया ये आया, डिफरेंस, पहले क्या था, मैंने कहा था 1 रुपए का भी चक्कर हो, तो डिफरेंस अब उन्होंने कहा कि 105% वाला जो मैंने सिस्टम बताया था वो यहां भी ले आए फाइनेंस एक्ट 2018 में। ये रिलेटिव का डेफिनेशन हमने चार्ट बनाया था, और क्या कहा था कि एक्स अगर SSC है तो उसकी बीवी और बीवी का खानदान और एक्स का पूरा खानदान, ऊपर भी और नीचे भी, तो इस तरह से बनाया हुआ आप देख लीजिएगा, बाकी कोई चेंजेस है नहीं। PGBP का कोटेशन मत आया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई विल, चैप्टर ही ऐसा लिखना पड़ा इसको। कैपिटल गेन में हमने लिखा फोकस एंड डू इट, याद तो करना पड़ेगा आपको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा क्या चीज आपको रोक रही है, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, क्लबिंग ऑफ इनकम, पॉजिटिव थॉट्स ऑनली। 5 हेड हो चुके हैं, अब कोई नेगेटिव थॉट अलाउड नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स ऑनली, और इस चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, मुबारक हो। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, स्काई अबव मी, अर्थ बिलो मी, फायर विद इन मी, यू विल मेमोराइज, याद रखिएगा, याद करने से ही होगा। और जो जिसमें चेंजेस आया था उसमें वो चेंजेस पहले ही आ चुके, जैसे हाउस प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है, यस मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड होने के बाद तो कितना भी सेट ऑफ करते रहे क्योंकि अपने ही हेड में होने वाला है वो। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, वरिंग सॉल्व्स नथिंग, चिंता से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। और इसमें जो चेंज आया वो 80D में आया, यहां पर जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 30,000 की लिमिट थी वो 50,000 कर देगी, बाकी सब कुछ सेम है। और दूसरी कहानी ये कि वेरी सीनियर सिटीजन को जो वो हायर डिडक्शन देते थे वो वेरी सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, अब सीधे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन ही लिख रहे हैं वो, बाकी सब कुछ सेम है। और उसमें मैं कहा था, मैंने 2 बॉक्स है, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, बॉक्स 1 बॉक्स 2, और कभी खुशी कभी गम, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, तो डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट, 25 प्लस 25 25 प्लस 50 50 प्लस 50, इस तरह से इतनी सारी लिमिट बनेगी। तो ये सब हमने क्लासेस में भी करवाया था आपको, और आप कहीं से भी क्लासेस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इसमें हमारी सारी YouTube में वीडियोस हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने कुछ कुछ कोडिंग की हुई है बहुत आराम से समझ में आएगा। 80DDB में जहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी कि दिमाग की बीमारी टाइप की है, यहां पर जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन था उनको जो डिडक्शन पहले मिला करता था वो था 60,000, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। बाकी सेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 80TTB रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, जहां पर मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000। आप देखेंगे 80TTA और TTB में नेचर ऑफ इनकम में कोई फर्क नहीं है, वो इंटरेस्ट वाले सारे इनकम है, और सिर्फ SSC का फर्क है, यहाँ रेजिडेंट इंडिविजुअल अच्छे हो या रेजिडेंट सीनियर, तो सीनियर सिटीजन को ज्यादा फायदा दिया गया बस। और एक टाइटल इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन, और इसमें TTB में इंटरेस्ट ऑन सेविंग प्लस फिक्स डिपॉजिट दोनों है, तो अगेन MCQ का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। डिडक्शन करने के बाद, डिडक्शन में हमने बोला चिंता से कुछ हासिल नहीं होती, और हमने यहां लिखा मोर इज पॉसिबल।
इतना कर लिया, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, मोर इज पॉसिबल। रेट्स ऑफ टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। रेट्स ऑफ टैक्स 5% पहले ही कर दिया गया था, रिबेट वहीं का वहीं है, रिबेट जो अभी चेंज हो रहा है वो फाइनेंस एक्ट 2019 से चेंज हो रहा है, तो इसलिए घबराइएगा मत। और डोमेस्टिक कंपनी का रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, उसको करने की आपको जरूरत है नहीं। फिर टैक्स ऑन डिविडेंड जैसा था वैसा ही है। एग्रीकल्चरल इनकम, आई एम स्ट्रॉन्ग, यस सर्टनली यू आर स्ट्रॉन्ग, यू विल स्कोर वेरी हाई एंड ऑल यू विल बी टॉपर। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, आगे करते हैं। असेसमेंट ऑफ फर्म, नो मे बीज, शायद इतना मार्क्स आ जाएगा, ना 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 ना, आएगा ही आएगा। अगेन रिविजन टाइम 10 मिनट्स, देर इज नो चेंजेस हियर। सिर्फ यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन सर एट द रेट ऑफ 4% होना चाहिए बस। चैरिटेबल ट्रस्ट, अगेन नो चेंज, जितना चेंजेस आना था वो आ चुका है, योगा पहले ही ऐड हो चुका था, बाकी सब कुछ सेम है। टीडीएस में अनुमान बहुत सारे चेंजेस आते हैं लेकिन इसमें है नहीं। गेट कंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डिटेल डेटा है। 193 में एक थोड़ा सा चेंज आया था उसको, लेकिन हम लोग लिख नहीं रहे, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ था, और 194A में जो चेंजेस आया वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन पर, पहले यहाँ 10,000 वो करता था, वहाँ 50,000 की लिमिट डाल दी, यानी कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को अगर इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा मिलेगा तभी है। और आप ATTTB को भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी 50,000 तक तो डिडक्शन ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस वो लेके आ गए। बाकी TDS में जितना चेंजेस होना था 2017 में हो चुका, अब इसमें कोई चेंज नहीं है। ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसका हम लोग रेट दे चुके हैं, बस रेट ही इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, नहीं तो हमने इसको फाइनल लेवल में 15 पेज का चैप्टर बनाया हुआ है। एडवांस टैक्स, अगेन देर इज नो चेंज इन एडवांस टैक्स, जैसा था वैसा है, 2017 में जो चेंजेस आने थे वो आ चुके। इंटरेस्ट पेबल बाय SSC 234A, B and C, कोई चेंज नहीं है। रिटर्न ऑफ इनकम, ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक, इसलिए लिखा है क्योंकि आप रिटर्न जब लिखते हैं तो उसमें जेन्यूननेस होनी चाहिए, आपने जितना कमाया, जहां से कमाया, जैसे कमाया, वो सारा कुछ ऑथेंटिक और जेन्यून होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक, ऑथेंटिक होगा तो मैग्नेट की तरह आप छूट सकते हैं। इसमें भी जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं, जैसे बिलेटेड रिटर्न का लास्ट डेट, रिवाइज रिटर्न पहले 2 साल में होता था अब 1 साल में होगा, साइनिंग ऑफ रिटर्न जैसा था वैसा ही है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नथिंग, नो चेंजेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस हुए भी हैं तो जरूरी नहीं है। और खास बात, डोंट सेटल, मतलब आराम मत करना, मेहनत करते रहिएगा तभी काम बनेगा। और ये पूरा इनकम टैक्स हमने एक पेज में समा दिया है, तो अगेन दिस इज मैजिक। हमने बनाया हुआ इसका वीडियो, आप पढ़िएगा होल इनकम टैक्स, रिवाइज होल इनकम टैक्स इन 8 मिनट्स, तो 8 मिनट में पूरा इनकम टैक्स आप रिवाइज कर लीजिए। फिर ये मिक्स टॉपिक्स है, और नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी रुकना मत, हमेशा सीखते रहना, यह इंदिरा न्यू पेप्सी की CEO ने, ex-CEO ने भी कहा है। तो हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच जाते हैं वहाँ भी हम लोग सेमिनार करते हैं, तो हमने यही एक कोटेशन लिखते भी हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग। तो मीनिंग ऑफ रिलेटिव में जगह जगह अलग अलग मीनिंग दिया हुआ, सारा हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो एक जगह लिखा हुआ तो ये ऑब्वियसली आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी, और याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने सारे अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स के कर लिए, अब मैं GST के करूंगा आपके साथ। तो थैंक यू सो मच, ये किताब खरीदने मत भूलिएगा, और बहुत अच्छी बुक है, आपको काम आएगी। बाय बाय।